900 रुपए में 1 करोड़ रुपए कौन दे रहा है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज दे रही है, और ये आपको इसीलिए नहीं पता क्योंकि वो ही आपको ये बात कभी नहीं बताते। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं व्हाई लाइफ इंश्योरेंस इज द बेस्ट प्रोडक्ट आउट देयर, लेकिन आपको कंपनीज इसीलिए ये नहीं बताती क्योंकि कंपनीज अपने फायदे की सोचती है। तो चलिए फटाक से वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वीडियो के एंड में आपको बताता हूँ 900 रुपए में 1 करोड़ रुपए का कवर कैसे लेना है। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट सिंपल है, आप प्रोटेक्शन के पैसे दे रहे हो, यानी कि अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो तो आप एक प्रीमियम भरते हो, जैसे पर मंथ या पर ईयर या पर 3 मंथ्स, एंड इसके बाद आपको अगर गॉड फॉरबिड कुछ हो जाता है, यानी कि अगर आपकी डेथ हो जाती है या आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है या फिर आपकी कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपके परिवार वालों को पैसे देती है, यानी कि अगर आप नहीं हो तो आपके परिवार वालों का ख्याल इंश्योरेंस कंपनी रखती है। लेकिन अब ये अमाउंट कितनी होनी चाहिए? देखिए, एक सिंपल रूल ऑफ थंब हमेशा याद रखिएगा, आपकी जो एनुअल इनकम है उसका 15 गुना आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, यानी कि अगर आप साल के 10 लाख रुपए कमाते हो तो आपका एटलीस्ट 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। चलो मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूं। अज्यूम कीजिए आप एक 20 साल के इंडिविजुअल हो। पहला ऑप्शन ये है कि आप मुझे पर ईयर 10,000 रुपए देते हो, और गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है टिल द एज ऑफ 65, तो मैं आपके फैमिली को 1 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन अगर आप 65 तक जी लेते हो तो मैं आपके फैमिली को कुछ नहीं दूंगा। द रीजन इज, अगर आपके बच्चे हैं तो वो तब तक इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर आप आज 21 साल के हो तो आपके पेरेंट्स रफली 45-50 के होंगे, तो जब तक आप 65 इयर्स के हो जाएंगे आपके पेरेंट्स दुनिया में नहीं रहेंगे, तो इसीलिए 65 के बाद मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मुझे मंथली 10,000 रुपए दो, मंथली, ईयरली नहीं, और अगर गॉड फॉरबिड आपको कुछ हो जाता है तो मैं आपको सिर्फ 10 लाख रुपए दूंगा। लेकिन एक मिनट, ये महंगा इसलिए है क्योंकि जब आप 35 साल के होते हो ना, तब मैं आपको पर ईयर 80,000 से 90,000 रुपए देता रहूंगा इनकम। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 1 चूज करोगे या ऑप्शन 2, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। देखिए, जो मैंने जस्ट डिस्क्राइब किया वो 2 डिस्टिंक्ट पॉलिसी प्रोडक्ट्स है। सबसे पहला होता है एक लाइफ इंश्योरेंस जो आपने एक्चुअली लेना चाहिए, दिस इज द गुड ऑप्शन। अगर आपने ऑप्शन 1 चूज किया तो कॉन्ग्रेट्स, आप बहुत स्मार्ट हो। अगर आपने ऑप्शन 2 चूज किया तो लेट मी कन्विंस यू टू चूज ऑप्शन 1। देखिए, सिंपल रूल है, आपको अपने एनुअल इनकम का 10-15 times मिलना ही चाहिए। ऑप्शन 1 में मोस्ट लाइकली मिल जाएगा क्योंकि कवर अमाउंट 1 करोड़ रुपए है, लेकिन ऑप्शन 2 में इवन दो रेगुलर इनकम मिल रही है पर ईयर, आपको सिर्फ 10 लाख रुपए का कवर दिया है। तो अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली को सिर्फ 10 लाख रुपए मिलेंगे, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए कैसा होता है, इंश्योरेंस एजेंट जो होता है उसका जो मैक्सिमम कमीशन है ना, वो इस सेकेंड ऑप्शन में होता है। इसको उन लोग एंडाउमेंट प्लान, मनी बैक प्लान ऐसे नाम देके बेचते हैं। वो आपसे कहेंगे कि सेकेंड प्लान जो है वो बहुत ज्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ये कंबाइन करके एक प्रोडक्ट दिया जा रहा है। लेकिन देखिए, आप ही मुझे बताइए, आप मंथली अगर 900 रुपए दोगे कंपेयर टू 10,000 रुपीज, आपको मंथली 900 देके 1 करोड़ का कवर मिल रहा है, प्लस अगर आप 10,000 की बजट लेकर निकले ही थे और आप 9,000 रुपए की SIP कर दोगे किसी अच्छे फंड में, आपके इन्वेस्टमेंट का काम वहां हो जाता है। देखिए, प्रीमियम और कवर को कंपेयर करते हैं। जो हमारा ऑप्शन 1 है वहां पे आप मंथली 900 रुपए देके आपको 1 करोड़ का कवर मिल रहा है, ये ऑलमोस्ट 11,000 times योर प्रीमियम अमाउंट है। लेकिन दूसरे ऑप्शन में आप 10,000 रुपए दे रहे हो पर मंथ और आपको सिर्फ 10 लाख रुपए का कवर मिल रहा है, ये बेयरली 10 times है। क्यों? क्योंकि आपने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स किया। देखिए, इंश्योरेंस वाले आपसे हमेशा ये बोलेंगे कि आप ना मनी बैक वाला प्लान ले लो, आप फायदे में रहोगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे उनके कमीशन ज्यादा है इसीलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन प्लीज डोंट फॉल फॉर दिस, आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेपरेट रखो और इंश्योरेंस को सेपरेट रखो। और मैं आपको खुद के एग्जाम्पल भी देता हूँ, मेरा कोई मनी बैक या एंडाउमेंट प्लान नहीं है। इनफैक्ट मैंने एक सिंपल टर्म प्लान निकाल कर रखा है, और मैंने ये अभी इसीलिए निकाला क्योंकि जितना जल्दी आप ये निकालते हो आपको एक सस्ता प्रीमियम मिलता है। यानी कि अगर आप 21 साल के हो और आप 1 करोड़ का कवर लेते हो, आपको ऑन एन एवरेज 900 रुपए में पड़ता है। लेकिन जब आप 30 साल के हो जाते हो, यही अमाउंट डबल या ट्रिपल हो सकती है, बिकॉज जितना ज्यादा आपका एज बढ़ता है
उतने ही ज्यादा प्रीमियम्स ये चार्ज करते हैं, तो जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करना। एनीवे, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं और आप कैसे खुद से लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं विदाउट एनीबडीज हेल्प, तो मुझे कमेंट्स में बताइए एंड आई विल मेक इट हैपन। एनीवे, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसा कॉन्टेंट आप तक पहुंचाता रह सकूं। एंड रिमेंबर, मैं हर एक थर्सडे और संडे को नए वीडियोस पोस्ट करता हूं। एंड कमेंट्स में मुझे बताइए आप आगे कौन से टॉपिक्स देखना पसंद करेंगे। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। आई विल सी यू अराउंड।